शायद ही ऐसा कोई हो जिसको नॉनवेज खाना पसंद ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी में 75% लोग नॉन वेजिटेरियन है। इसलिए आज मैं मुगलई दस्तरखा की प्रसिद्ध चिकन चंगेजी की मेकिंग दिखाने वाला हूँ, जिसे भरपूर क्रीम, मक्खन, 100 किलो बोनलेस चिकन और खानदानी मसालों के साथ तैयार किया जाता है। तो पूरी वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना, आपको वीडियो देख के जबरदस्त मजा आएगा। चिकन चंगेजी की जान होती है उसकी ग्रेवी, जिसको बनाने के लिए यहाँ पर अपने लाल लाल फ्रेश टमाटर आ चुके हैं, जिसको पानी में अच्छी तरीके से धोने के बाद यहाँ पर चाकू से कट लगाया जा रहा है। और कट लगाने के बाद इसमें हरी हरी मिर्ची भी डाली जाएगी, और मिर्ची भी आप देख लो कितना ज्यादा फ्रेश है। और भैया टमाटर डाल दिया, मिर्ची डाल दी, तो बारी आती है पर प्याज की। इसको भी अच्छी तरीके से धोने के बाद बड़े से पतीले के अंदर डाला जा रहा है। और ये सारी चीजें डालने के बाद बारी आती है अपने अदरक और लहसुन की, तो ये भी पतीले के अंदर डालने के बाद पतीले को बड़े से भट्टी के ऊपर चढ़ा दिया गया ताकि इसका ग्रेवी बनाया जाए। तो ऊपर से पानी डाला जा रहा है, पानी डालने के बाद यहाँ पर पिघला हुआ मक्खन डाला गया, और मक्खन डालने के बाद यहाँ पर खड़े मसाले डाले जाएंगे। और मसाले इतने सारे डाले जाते हैं कि एक एक करके अगर मैं इनका नाम बताऊं तो मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, लेकिन इस चीज का नाम मैं बता सकता हूँ, इसको टाटा नमक कहते हैं। और ये सारी चीजें डालने के बाद ऊपर से भैया ने ढक्कन बंद कर दिया। लगभग 20 से 25 मिनट होने के बाद यहाँ पर हमारी सारी जो सब्जियां थी अच्छी तरीके से उबल चुकी है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसको मशीन के अंदर डाला जाएगा, और मशीन भी भाई बहुत ही ज्यादा आधुनिक है। ऊपर से यहाँ पर जितने भी आइटम थे डालने के बाद नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ पर पिसी हुई ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको दोबारा से पकाया जाएगा, तो यहाँ पर इसको उठा के दोबारा से भट्टी के ऊपर डाला गया, और जो एक्स्ट्रा ग्रेवी थी वो भी इसके अंदर डाल दिया गया। और ये सारी चीजें डालने के बाद यहाँ पर सॉफ्ट मसाले डाले जाएंगे। तो सबसे पहले धनिया डाला गया है, धनिया डालने के बाद यहाँ पर अपनी कश्मीरी लाल मिर्चा ये भी डाल दी गई है ताकि थोड़ा सा ये दिखने में लाल हो। ऊपर से नमक डाल दिया गया है। अब इसको 1 से 1.5 घंटे तक इसी तरीके से उबाला जाएगा। लगभग 1 घंटा होने के बाद यहाँ पर हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है, जिसको सबसे पहले छोटे छोटे डब्बों में निकाल के स्टोर किया जाएगा। और जिसका आप सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि चिकन चंगेजी कब बनेगा, उसकी बनाने की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे चिकन के बोनलेस पीस आ चुके हैं। और ये देखने में इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि मेरा तो मन कर रहा है कि एक पीस उठा के खा लूं। और ऊपर से यहाँ पर जो ग्रेवी हमने तैयार की थी वो भी इसके ऊपर से डाल दिया गया है। और ग्रेवी डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से रिफाइंड डाला जा रहा है। रिफाइंड इस कारण डाला जाता है ताकि नीचे से चिपके ना, जले ना। और ये सारी चीजें डालने के बाद अब इसे थोड़ी देर के लिए चलाया जाएगा ताकि चिकन के अंदर ग्रेवी में जितने भी मसाले हैं उसका फ्लेवर आ सके। इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसी तरीके से लगातार पकाया जाता है। फिर ऊपर से इसमें मक्खन डाला जा रहा है, और मक्खन डालने के बाद ये बनके तैयार हो चुका है। अब इसकी गार्निशिंग की जा रही है, जिसके लिए भैया ऊपर से भर भर के यहाँ पर क्रीम डाल रहे हैं, और क्रीम डालने के बाद ऊपर से धनिया भी डाल दिया गया, क्योंकि गार्निशिंग का नाम हो और धनिया ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम भी अपनी प्लेट लगवाते हैं, और यहाँ पर हमारी प्लेट लग चुकी है, जिसमें हमने बोन और बोनलेस दोनों पीस डलवा दिया। ऊपर से दोबारा से यहाँ पर क्रीम आ चुका है, और यहाँ पर ऊपर से मिर्च डाल दिया गया, और हमारी प्लेट बन के तैयार हो चुका है। सर अली अमीन के नाम से है अपना, ये जामा मस्जिद के अंदर पड़ेगा, गेट नंबर 1 से आप जब आएंगे तो राइट हैंड साइड पर 50-60 दुकानें छोड़ के पड़ेगा। और अपनी टाइमिंग क्या होती है? सर 1 बजे से लेकर 11:30 क्लोज। और ये जो चंगेजी है इसका प्राइस क्या होगा? सर चंगेजी जो है इसका विद बोन लेंगे तो 170 का है, और बोनलेस लेंगे तो 220 रुपये का है। एक ऑर्डर चिकन टिक्का ले लीजिए ना।